हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पैट स्पेक्ट्रम का टॉपिक। सो स्पैट स्पेक्ट्रम होता है क्या? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच फ्रिक्वेंसी इन ट्रांसमिटेड सिग्नल इज वेरिड डेलिबरेटली। कि जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल, उसके अंदर हम फ्रिक्वेंसी को जानबूझ के खुद से हम वेरी करते हैं, उसको हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेंज के अंदर वेरी कराते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैंडविथ मिल जाती है, ग्रेटर बैंडविथ मिल जाती है। ओके, सो स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट स्प्रेडिंग द बैंडविथ नीडेड टू ट्रांसमिट डेटा। अगर आपकी बैंडविथ सपोज इतनी थी तो आपने इसको स्प्रेड करके इतना कर दिया। एक तरह से हम इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं कि जो बैंडविथ थी अगर उसका ये विर्थ इतना था तो हमने इसको स्प्रेड करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, नाउ इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू द नैरो बैंड इंटरफेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नैरो बैंड के इंटरफेस होता है उससे रेजिस्टेंस को ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूँ कि एक्चुअली कि किस तरीके से हो रहा है। सपोज ये आपके पास एक सिग्नल है। अब ये वाला जो सिग्नल है ये नैरो बैंड सिग्नल है। एक आपके पास यहाँ पे नैरो बैंड का सिग्नल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस नैरो बैंड के सिग्नल को स्प्रेड करके एक ब्रॉड बैंड या फिर वाइड बैंड के सिग्नल में कन्वर्ट कर दोगे। सो इट इज स्प्रेडेड इनटू, ये जो सिग्नल था इसको आपने स्प्रेड कर दिया इनटू ब्रॉड बैंड सिग्नल, इनटू ब्रॉड बैंड सिग्नल। तो ये जो सिग्नल जिसकी विड्थ इतनी थी अब ये स्प्रेड होके कुछ इतना हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जितने भी आपके नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड के सिग्नल हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड सिग्नल्स आर एडेड टुगेदर ताकि जो आपका पूरा चैनल है उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाए। सो नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड सिग्नल्स आर एडेड। जैसे कि यहां पे आपके पास ये जो नैरो बैंड का सिग्नल ब्रॉड बैंड का सिग्नल था वो तो ऐसे तीसरा, अब आपने इसके ऊपर एक और कोई नैरो बैंड का सिग्नल ऐड कर दिया। अब दोनों की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो डिफरेंट हो गई तो दोनों इजीली ट्रांसमिट हो पाएंगी। सो लेट अस से हमने यहां पे एक सिग्नल ऐड कर दिया नैरो बैंड का, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है ड्यूरिंग रिसीवर साइड, अब जो रिसीवर साइड है वहां पे क्या होगा, वहां पे जो सिग्नल है आपका जो ब्रॉडबैंड का सिग्नल है उसको आप डी स्प्रेड करते हो। ठीक है, टू गेट द ओरिजिनल एंड बैंड पास फिल्टर इज अप्लाइड टू फिल्टर आउट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी। तो रिसीविंग साइड पे क्या हो रहा है, सिग्नल इज डी स्प्रेडेड टू गेट ओरिजिनल सिग्नल, एक तो सिग्नल को आप डी स्प्रेड करो ताकि आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाए, यानी ये वाला जो सिग्नल था इसको डी स्प्रेड करके दोबारा से आपने इसको नैरो बैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको एक तो ये मिला और जो ये वाला सिग्नल था वो एज इट इज मिलेगा, और एक बैंड पास फिल्टर हम अप्लाई करते हैं ताकि जितनी भी अनवांटेड सिग्नल्स हैं उनको फिल्टर आउट कर सकें। सो यहां पर आप लिख लो बैंड पास फिल्टर्स आर अप्लाइड, बैंड पास फिल्टर्स टू फिल्टर आउट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, फिल्टर आउट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिक आइडिया है कि किस तरह से स्प्रेड स्पेक्ट्रम काम करता है। अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, दो डिफरेंट वेरिएशन आते हैं। एक होता है आपका DSSS, दैट इज डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ईच बिट इज मल्टीप्लाइड बाय अ सीक्रेट कोड, एक सीक्रेट कोड होता है और हर बिट को हम उस सीक्रेट कोड से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो सीक्रेट कोड होता है इसको हम चिपिंग कोड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिपिंग कोड। ठीक है, और यही जो कोड होता है इसको हम यूज करते हैं टू एक्सेस द मैसेज। सो दिस चिपिंग कोड इज यूज टू एक्सेस द
मैसेज ऑल्सो एंड इट इज़ यूज टू रिड्यूस द ओवरऑल सिग्नल इंटरफेरेंस, जितनी भी आपके सिग्नल में इंटरफेरेंस होती है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है. स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड इनटू इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसीज ईच ऑफ विच इज एलोकेटेड टू अ फ्रिक्वेंसी चैनल, कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको आप छोटे छोटे पीसीज के अंदर ब्रेक करते हो और हर पीस को किसी एक फ्रिक्वेंसी चैनल के अंदर एलोकेट कर देते हो. देन द चिपिंग ऑफ द सीक्रेट कोड इज यूज टू डिवाइड डेटा अकॉर्डिंग टू द स्प्रेडिंग रेशियो. सो ये काम होता है किसका, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम का. इसमें आपको सिंपल एक याद रखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस के अंदर, लेट अस से पीस वन, पीस टू, पीस थ्री, और हर पीस को एक फ्रिक्वेंसी चैनल को एलोकेट कर देते हैं. लेट अस से हमने इसको एफ वन को एलोकेट कर दिया, इसको एफ टू को और इसको एफ थ्री को. अब चिपिंग कोड क्या करेगा, इस डेटा को अकॉर्डिंग टू द स्प्रेडिंग रेशियो डिवाइड कर देगा. ठीक है, सो दिस इज डी एस एस एस. नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, दैट इज एफ एच एस एस. इट इज रिपीटेड स्विचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग रेडियो ट्रांसमिशन टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस. यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपीटेड स्विचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं ताकि जो आपका इंटरफेरेंस है ट्रांसमिशन के टाइम पे वो कम हो सके. नाउ द बैंडविड्थ इज स्प्लिटेड इनटू मेनी चैनल्स ऑफ स्मॉलर बैंडविड्थ. एक पूरी बैंडविड्थ को आप छोटे छोटे बैंडविड्थ के चैनल्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, और प्लस गार्ड स्पेसेस भी होते हैं. मतलब कि सपोज अगर आपके पास ये वाली बैंडविड्थ थी तो आपने इसको एक तो डिवाइड कर दिया छोटी छोटी बैंडविड्थ के अंदर, ठीक है. अब इन छोटी छोटी बैंडविड्थ के बीच में आपके पास यहाँ पे कुछ गार्ड स्पेस भी होगा. लेट अस से ये गार्ड स्पेस है, ये गार्ड स्पेस है. ये गार्ड स्पेस किस लिए होते हैं, ताकि एक फ्रिक्वेंसी चैनल दूसरे के साथ इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है. सो दिस इज एफ एच एस एस. ट्रांसमिशन एंड रिसीवर स्टे ऑन दिस चैनल्स फॉर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए रहते हैं इन चैनल्स के ऊपर, अपना ट्रांसमिशन करते हैं. एंड इन दिस बोथ एफ डी एम एंड टी डी एम टेक्निक्स आर यूज, दोनों टेक्निक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं. अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे, होपिंग सीक्वेंस एंड ड्वेल टाइम. होपिंग सीक्वेंस का मतलब होता है चैनल यूसेज पैटर्न, कि चैनल का यूसेज किस तरीके से हो रहा है उसके पैटर्न को हम बोलते हैं होपिंग सीक्वेंस. और ड्वेल टाइम होता है टाइम स्पेंड ऑन ईच होप, टाइम स्पेंड ऑन ईच होप, हर होप के ऊपर या हर नोड के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया गया उसको हम बोलते हैं ड्वेल टाइम. सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इतना ही कवर करना है, जिसमें हमने देखा बेसिक आइडिया स्प्रेड स्पेक्ट्रम का क्या होता है. उसके बाद हमने दो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे कवर करी हैं, डी एस 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 और एफ एच एस एस. सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोज नोटिफिकेशन. थैंक यू.